हेलो हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कल भी जो सेशन हुआ था आपका ज्योग्राफी का, आज भी ज्योग्राफी का सेशन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और वो सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको ज्योग्राफी में। एमपी एडीपीओ या एमपी के हर एग्ज़ाम के लिए जो जुडिशरी से रिलेटेड है और जो आपके प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस है, मतलब ये क्वेश्चंस है जो जो आपके पीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और आप जानते होंगे कि क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके होते हैं उन्हें पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारा पेपर आपका रिपीट होता है। लेकिन अब वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे वही जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब मैं क्या करा रहा हूँ, आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूँ इस सेशन में। तो आप देखोगे, मैं करवा दूंगा पीडीएफ शेयर, ठीक है? मैं थोड़ा सा करा नहीं पा रहा था मैं, लेकिन जल्दी आपको पीडीएफ भी शेयर करा दूंगा चैनल पे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही सारे लोग आते हैं हम स्टार्ट करेंगे सेशन को अपने। चलिए, थोड़ा सा जस्ट वेट कर लीजिए, हम सेशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में, जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में। तो इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के रहने वाले हैं। इसके पहले, सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है। आईएएस में बहुत सारे सिलेक्शन हुए, अभी जुडिशरी में बहुत सारे सिलेक्शन हुए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी जुडिशरी में सिलेक्शन लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक होगी, वहां से आप बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने किसी भी एक बैच का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो ये सब्सक्रिप्शन ईयरली या मंथली होता है। तो उस ड्यूरेशन में जितने बैच अनअकैडमी में हो चुके हैं या होने वाले, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सारथी 4.0 बैच आपका अभी स्टार्ट हुआ है, और 28 नवंबर से 12 मंथ का बैच है, इसको देख सकते हैं। लीडिंग एजुकेटर्स बैच को देख रहे हैं तो इस पे, और अगर आप बैच का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको कोड यूज करना होगा शाबाश टेन, ठीक है? इसके साथ साथ आप देखिएगा, राजस्थान स्टेट जुडिशरी के लिए भी बैच है, 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 6 महीने का बैच है। बिहार के लिए भी आ चुका है बैच, और जो बिहार का बैच है वो 1 मंथ का बैच है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं। और यहाँ पे भी लीडिंग एजुकेटर है, सेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, कोड यूज किया शाबाश 10, जो भी आपको प्राइसिंग होगी उसमें एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए, रेडी है सारे लोग, तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन को विद इन 1 मिनट। सभी लोग एक बार बताएं, सारे लोग रेडी हैं? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे है सभी, मजे में? मजा मो मजा माचो, क्या बोलते गुजराती में, चलिए जो भी बोलते हो। रेडी है सारे लोग, ये बताइए पहले तो, आज के सेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। रिवर मीट्स इन गंगा रिवर, ठीक है? कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है, मतलब एमपी की वो कौन सी नदी है जो गंगा नदी में मिलके जाती है। रिवर्स मीट्स इन गंगा रिवर, तो गंगा में कौन सी नदी मिलती है एमपी की, आंसर देंगे, ठीक है? कौन सा है भैया? वेरी गुड मॉर्निंग सबको। तो आंसर सी एच, मतलब क्या है, चंबल बता रहे हो, कुछ लोग बता रहे हैं सोन, ठीक है? तो आंसर आपका आएगा
बिल्कुल बिल्कुल, आज जिन्होंने सोन नदी बताया है उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। राइट आंसर होगा सोन नदी। जो सोन नदी है वो किससे मिलती है, वो जाके गंगा से आपकी मिलती है, ठीक है, वो गंगा से आपकी सोन नदी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपकी स्क्रीन पर है, फेमस सिटी सांची इज लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर, जो ठीक है, हाँ चंबल यमुना से मिलती है, सब रट लिया है, ठीक है, क्या बात है, बहुत तेज। अब पूछ रहा है फेमस जो सिटी है सांची वो किस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, मतलब किस नदी के बगल में है, अगल बगल में, बेतवा, नर्मदा, सोन, केन। तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आंसर सही किया है अभी तक, क्या बात है। और आंसर आपका बिल्कुल है सही, एंड द राइट आंसर इज इट इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ बेतवा, बेतवा नदी के किनारे पर ही बसी हुई है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एमपी, सबसे आपका आज का आसान सवाल, ठीक है, ये अभी तक का सबसे आसान सवाल है। जो रिवर ऑफ एमपी है, मतलब तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ एमपी कौन सी मानी जाती है, सबसे बड़ी रिवर जिसको बोल रहे हैं, विच इज द, ठीक है, इसके साथ साथ इसको लाइफ लाइन भी बोला जाता है, इस रिवर को लाइफ लाइन ऑफ एमपी बोला जाता है, लाइफ लाइन, ठीक है, लाइफ लाइन भी बोला जाता है, और भी बहुत सारे नामों से ज्यादा जाना जाता है। तो इसका सब सही जवाब होगा, इट इज रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द नर्मदा इन एमपी, एमपी में नर्मदा की क्या लेंथ है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, द लेंथ ऑफ नर्मदा इन एमपी का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को लेके आप आंसर करेंगे, 4। इन द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिएगा, वैसे इसकी आप लोगों ने कुछ, जैसे लोगों ने आप देख रहे होगा 13-12 कुछ लोगों ने लिखी है, तो 13-12 इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है, टोटल कितनी है लेंथ, क्योंकि कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी आता है, लेकिन अगर एमपी की बात करते हैं तो 1077, 1077 किलोमीटर एमपी में है, कुछ हिस्सा एमपी के बाहर भी है, इसलिए आपको ये चीजों को देखना पड़ेगा। 1312, ठीक है, 1315, नहीं 1312 है, ठीक है, और एमपी में कितना होता है, एमपी में इट इज 1077 किलोमीटर, ये रन करती है, एमपी की सबसे बड़ी रिवर है, आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका फिफ्थ, द एंशियंट नेम ऑफ शिप्रा रिवर इज, शिप्रा का प्राचीन नाम क्या है, शिप्रा का, शिप्रा का प्राचीन नाम, मतलब पहले शिप्रा को क्या कहा जाता था। फिफ्थ, प्रेक्षा, अवंती, उज्जैनी, उज्जवनी, क्या बोला जाता था, वॉट इज द एंशियंट नेम ऑफ शिप्रा, शिप्रा नदी का प्राचीनतम नाम क्या था। अभी काफी लोग आंसर को गलत कर रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ का जिनको नहीं पता है वो आज पता चल जाएगा, एंड द राइट आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर, जिन्होंने प्रेक्षा बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, अवंती इज नॉट अ राइट आंसर, मैं रिवर का पूछ रहा हूँ ना कि सिटी का, सिटी का कुछ और भी हो सकता है, मैं पूछ रहा हूँ रिवर का क्या नाम था, तो रिवर का नाम है ऑप्शन ए, आपका सही माना जाएगा। बिल्कुल दो ही तीन लोगों ने सही बोला है, रोहित ने सही बोला है, हेमा ने सही बोला है, और एक आकांक्षा ने सही बोला, और एक और बच्चे ने, किसी ने सही बोला था, तीन ही लोगों ने शायद सही बोला है, आकांक्षा, हाँ, और वो विशाल ने भी सही बोला है, ये चार लोगों ने आंसर सही किया है, बाकी लोगों ने आंसर दिया नहीं है या तो नहीं किया। चलिए आप लोगों को बधाई है जिन्होंने आंसर सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज रिवर हैज वाटर थ्रू आउट द ईयर, कौन सी ऐसी नदी है एमपी में जिसमें साल भर पानी रहता है, ज्यादातर नदियां सूख जाती है लेकिन साल भर पानी जिस नदी में रहता है उस नदी का नाम क्या है। हाँ विशाल आपका नाम भी मैंने लिया था ना, अरे विशाल आपका नाम भी लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 को आप आंसर देना है, 6, कौन सी नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, कौन सी ऐसी नदियां हैं एमपी की जिसमें साल भर पानी रहता है, तो जो वो नदी जिसमें मध्य प्रदेश की है जिसमें साल भर पानी रहता है वो रिवर आएगी, ऑल ऑफ दी, सारी की सारी ये नदियां मध्य प्रदेश की हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, नहीं ताप्ती नहीं, तीनों है, ताप्ती, चंबल, बेतवा, तीनों रिवर है जिसमें साल भर पानी रहता है, कुछ नदियां सूख जाती है इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज सराउंडेड बाय नर्मदा इन इट्स, ठीक है, हॉरोस्कोप, आप देखिएगा नर्मदा से सराउंडेड रिवर कौन सी है, नर्मदा से सराउंडेड रिवर हॉरोस्कोप के आधार पे, ठीक है, इन इट्स हॉरोस्कोप, क्वेश्चन नंबर 7 सिटी पूछ रहा है आपसे, रोहित ने आंसर सही किया है,
कुछ लोग आंसर सही कर रहे हैं, प्रिया भी आंसर सही दिए हैं, आकांक्षा भी दिए, द राइट आंसर इज मंडला। इसको आज अच्छे से देख लीजिए, जिनका गलत हुआ है, काफी लोगों ने गलत किया, इट इज अ मंडला नॉट जबलपुर। जबलपुर से कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जबलपुर से कंफ्यूजन होता है, लेकिन जबलपुर इज नॉट अ राइट आंसर। जबलपुर क्या होगा, जबलपुर सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट, नर्मदा इज द लार्जेस्ट रिवर इन एमपी एंड इज एट विच नंबर। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट रिवर ऑफ एमपी है एंड इज एट विच नंबर, और कौन से नंबर पर है। वेरी गुड मॉर्निंग भैया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, 8 का, एट्थ। क्या बात है, सारे लोग आंसर सही कर रहे हैं, एंड द राइट आंसर, बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा, इट इज फिफ्थ, पांचवा नंबर है इसका। कौन सा नंबर है, पांचवा। अच्छा, ये पांचवा नंबर किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है, क्या ये बता पाओगे, क्या ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है कि एमपी के कॉन्टेक्स्ट में है पांचवा। ठीक है, एमपी के देखो, लेकर लार्जेस्ट रिवर है एमपी, एमपी के तो लार्जेस्ट है, और ये जो फिफ्थ नंबर की पांचवी सबसे बड़ी नदी भारत की है, ठीक है, फिफ्थ का मतलब है भारत के हिसाब से पूछा गया है। नेक्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ द नर्मदा रिवर, अभी देखो मैंने पूछा था कि एमपी में कितनी है, ये एमपी में नर्मदा कितनी है, ये तो हमने बता दिया था, एमपी में नर्मदा है 1077। अब पूछता है कि टोटल इसकी कितनी लेंथ है, मतलब ये है कितनी, अब आपको आंसर ये देना है। एमपी नहीं पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है कि है ये कितनी है टोटल रिवर, इसको आंसर अपन देंगे, द टोटल लेंथ ऑफ नर्मदा रिवर इज। नाइन्थ क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, नाइन्थ का, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज बी, इट इज 1312 किलोमीटर इज अ राइट आंसर। 13 बार इसका सही जवाब माना जाएगा। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ चंबल जानापाव इज नियर विच सिटी ऑफ एमपी, मतलब एमपी की वो कौन सी सिटी है जहां से चंबल नदी जानापाव के आसपास से, मतलब चंबल नदी कहां से निकलती है, जानापाव से, तो जो जाना पाव है ये कहां पर सिचुएटेड है, आपको ये आंसर करना है। कहां पर है भैया जाना पाव, जहां पे जा नहीं सकते, जा ना पाओ, एंड द राइट आंसर इट इज, ये आपकी महू में है, महू इंदौर के पास है, महू में आपका जाना पाव है, वहां से ये रिवर चंबल आपकी क्या होती है, निकलती है। ठीक है, इसके बाद इन विच रिवर फ्लड कम्स वेरी एक्सीडेंटल एंड डिस्ट्रक्टिव, कौन सी ऐसी नदी है जिसमें बाढ़ बहुत खतरनाक तरीके से आती है, ठीक है, और मतलब ऐसी आती है जिससे बहुत सारा नुकसान वगैरह भी होता है, ऐसी कौन सी नदी है। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, बाढ़ वाली, बाढ़ किसमें आती है, जल्दी बताइए कौन सी है इसमें ऑप्शन, सान, केन, बेतवा, काली सिंध। तो कुछ लोगों ने आंसर अभी सही किया है, एक दो लोगों ने, जैसे विशाल ने आंसर सही किया है, नेहा ने सही किया है, बाकी लोग गलत कर रहे हैं, गलत नहीं पता, ये भी अच्छा आंसर था, बाकी लोग गलत कर रहे हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 11th का सही आंसर आएगा, वो आएगा ए, सोन। ठीक है, सोन नदी होती है, इसको आप इस प्रकार से कह सकते हैं, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ एमपी, एमपी की गंगा किसे कहा जाता है। देखिए, दो नॉर्मली दो प्रकार से गंगा कहा जाता है, एक नॉर्मल तरीके से गंगा कहते हैं और एक कहते हैं पॉल्यूशन के आधार पर। तो अभी पूछ रहा है कि गंगा किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, अभी ये गंगा मध्य प्रदेश की, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है, बेतवा इसका राइट आंसर।
उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मध्य प्रदेश किस रिवर के बैंक पर है, किस रिवर के बैंक का मतलब कहाँ पर है मध्य प्रदेश सिचुएटेड, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस रिवर के बैंक पर। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे महाकुंभ भी लगता है, महाकुंभ अर्धकुंभ महाकुंभ बोलते हैं ना, कुंभ लग ठीक है, कुंभ का जो मेला होता है ना वो यहाँ पे लगता है ठीक है, और 2016 में लगा हुआ भी था आपका एमपी में। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखते हैं, दैट इज रिवर शिप्रा, और यहाँ पे पवित्र नदी है, कुंभ का मेला भी, महाकाल की नगरी है उज्जैन, उज्जैन महाकाल की नगरी भी है, और शिप्रा नदी के तट पर क्या हुआ है, बसी हुई है। 2016 में यहाँ पे महाकुंभ भी लगा था। नेक्स्ट, अ डिस्ट्रिक्ट बिटवीन सरस्वती एंड खान रिवर इस, एक कौन सी, देखो दो मतलब रिवर्स, एक सरस्वती नदी बहती है और एक बहती है खान नदी, इनके बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आती है, उस डिस्ट्रिक्ट को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ठीक है। साउथ फेसिंग महाकाल, बिल्कुल बहुत प्रकार से आप जान सकते हो। विच सिटी, 14, 14, सॉरी, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज इंदौरी, इंदौर नदी है। इंदौर में खान नदी किसी ने देखी है, खान नदी नाला जैसा लगता है, वो निकल रहा हुआ है ना वो वहां से पलासिया के आसपास, जहां पे जाओ तो ये दिखता है, इसको नदी ना बोलो, इसको ये नाला है पूरा ठीक है, मतलब ये बड़ा नाला कह सकते हो, आपको राजवाड़ा के आसपास से भी निकलता है, आपने देखा होगा राजवाड़ा जब जाइए आप, तो जो राजवाड़ा से निकलता है ना ये वही वाली नदी, इसको नदी का संज्ञा दी गई है। किस किस ने देखा है ये, किस किस ने देखा है इसको, बहुत से लोगों ने देखा होगा, राजवाड़ा से निकला हुआ है ना, जब वो राजवाड़ा को हम पार करते हैं वो पुल, तो वो जो नदी है उसको खान नदी कहा जाता है, एक्चुअली इट इज, आप उसको नाला समझ रहे होगे बहुत समय से, लेकिन वो खान नदी है ठीक है, आपने देखा है, अच्छी बात है। चलिए सभी लोगों ने देखा है, कितना मजा आया देख के। चलिए, जानापाव हिल्स इज अ पार्ट ऑफ विच एरिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानापाव हिल्स है वो किस एरिया का पार्ट माने जाते हैं, इज अ पार्ट ऑफ एरिया, किस एरिया के पार्ट माने जाते हैं। अब क्लीन हो गई, और हमने देखी थी जब तो नहीं थी, अब आएंगे दोबारा देखने, क्लीन देखने, मतलब टूरिस्ट प्लेस जैसा बन गया क्या अब। चलिए आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को आंसर करेंगे, एंड द राइट आंसर इज मालवा के पठार, प्लेटी ऑफ मालवा ठीक है, मालवा के पठार इसका सही जवाब आएगा। विच इज द एंशियन माउंटेन रेंज, सबसे एंशियन माउंटेन रेंज किसे कहा जाता है, अरावली, सतपुरा, विंध्याचल और शिहावा किसे कहा जाता है। चलिए बताएं जल्दी फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे, 16 का आंसर सी, चलिए भैया सी, अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो प्राचीनतम है, एंशियंट मानी जाती है ठीक है, प्राचीनतम। विच ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज कौन सी पाई जाती है सबसे ज्यादा, विच ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पेड़ कौन से हैं भैया, ट्रीज, टीक, साल, बेम्बू या रोजवुड। कौन सा है जल्दी बताइए, और क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर आएगा, जो 17 का वो आपका आता है ए, टीक, टीक मतलब, टीक मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं टीक को, सागौन, सागौन की ये लकड़ियां होती हैं, सागौन की लकड़ी बहुत महंगी भी होती है, और इसमें कहा जाता है इस लकड़ी में दीमक नहीं लगता है ठीक है, और छतरपुर आपका नाम याद रखिएगा, छतरपुर में सागौन की सबसे अच्छे फर्नीचर्स बनते हैं ठीक है, इवन मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा नाम है कि यहाँ पे जो फर्नीचर बनते हैं सागौन के, क्योंकि इसके इसकी जो सागौन की लकड़ी होती है ये थोड़ी सी, इसमें नक्काशी बहुत अच्छी होती है, नक्काशी मतलब इसमें आप मतलब इसमें से जो नक्काशी कुरेदते हैं ना कोई चीजों को वो बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि लकड़ी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है लेकिन बहुत ड्यूरेबल होती है लंबे समय के लिए, महंगी होती है। इसके बाद सतपुरा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल और बर्ड, सतपुरा जो नेशनल पार्क है वो किस बर्ड और किस एनिमल के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा,
हाँ सही बोल रहे, आप भी हैं छतरपुर से क्या? आप भी हैं क्या छतरपुर से? हाँ हम तो छतरपुर से हैं, ठीक है, आई एम फ्रॉम छतरपुर एमपी। आप भी हैं क्या? आप पूछ रहे इस प्रकार से, आप भी हैं तो मतलब लग रहा है जैसे आप भी, और भी और कौन है छतरपुर से? मैं तो हूँ, और कौन है? क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर समझता है द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज ब्लैक डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च? मध्य प्रदेश फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश, व्हेन वॉज द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च? कल भी बताया था इसका आंसर, इसका आंसर कल बता चुके हैं ऑलरेडी, फिर से एक बार देख लीजिए, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट्री कब लॉन्च हुआ था, क्वेश्चन नंबर 19 को लेके, 19 19, कल बताया हुआ है इसका आंसर, ठीक है, कल हुआ था ये वाला क्वेश्चन, आज भी हो रहा है, क्या दिक्कत है? जिनको नहीं पता है वो आज पता चल जाएगा। चलिए एंड द राइट आंसर इज 19 का क्या होगा आंसर? इट इज सी, 1990, 1975 और 1995 है, ठीक है, इसको चेक करिएगा दो ऑप्शंस में एक बार और, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। अभी के लिए इसका आंसर बस फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट लॉन्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी के लिए इसका आंसर अपन सी मान रहे हैं, लेकिन इसको एक बार आपको चेक करना है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ इस आंसर में, तो अभी गलत करने से बेहतर इसलिए मैंने लिख दिया चेक, आप इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट, वेयर इज द न्यूज प्रिंट मेकिंग फैक्ट्री इन मध्य प्रदेश लोकेटेड? मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? नेपानगर, भोपाल, कटनी, बीना। ऑप्शंस बहुत इजी हैं, ऑप्शंस इजी हैं, आंसर बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच चुके हैं, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज ए, नेपानगर इज द राइट आंसर, ठीक है, नेपानगर इज द राइट आंसर, ठीक है, नेपानगर इसका सही जवाब माना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बैम्बू इज अ, बम्बू क्या है भैया? बैम्बू, बैम्बू, बैम्बू क्या है भैया? बैम्बू। 21, ट्री, प्लांट, ग्रास, वाइन। 21, कुछ लोग बता रहे हैं ट्री है, रितु कह रही है ट्री है, और शशि कह रही है ट्री है, लेकिन और कोई कह रहा है पेड़ है, कोई पता नहीं, कोई प्लांट बता रहा है, कोई कोई पेड़, कोई प्लांट, और इसका राइट आंसर इट इज सी, ना ये पेड़ है ना प्लांट है, ठीक है। 21 का आंसर क्या आता है? 21 का आंसर आता है ये ग्रास है, इसको ग्रास की प्रजाति कहा जाता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन गलत मत करिएगा, इट इज अ ग्रास, ठीक है, ये ग्रास मानी जाती है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, इतना इजी ना समझो तो बोले बम्बू का पेड़ हमने नहीं देखा, क्या सबने देखा होगा, लेकिन ये ग्रास है, इट इज नॉट अ प्लांट और नॉट अ ट्री, इट इज अ ग्रास, इसे ग्रास कहा जाता है, ठीक है, ये लंबी ग्रास होती है, बहुत प्रकार की ग्रासेस आती है, इसे ग्रास की कैटेगरी में हम क्या करते हैं रखते हैं, याद रहेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, वेयर इज द ओनली लैक मेकिंग फैक्ट्री लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की एकमात्र लैक बनाने वाली फैक्ट्री कहाँ पे है? लाख, लक बनाने वाली, लैक बनाने वाली बोला जाता है, कौन सी है? अरे सॉरी बोलने के लिए कौन सा, हमने किसी को डांट दिया, बताया है, सॉरी काहे को बोल रहे हैं फालतू, कोई मतलब नहीं, और ही सॉरी बोलने का। चलिए 22 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आपने आंसर सही किया, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल तेजी से आंसर सही दे रहे हैं, द राइट आंसर इज, इट इज ए, उमरिया इज द राइट आंसर, ठीक है, उमरिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज द माधव नेशनल पार्क लोकेटेड? माधव नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है भैया? माधव, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? ये तो बन जाना चाहिए 23, ठीक है, आस ही पास है, सबके आसपास, कोई 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 रहता भी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एडीपीओ में सिलेक्शन होता है, यहाँ और इसके अगल बगल से बहुत सारे लोगों का एडीपीओ में सिलेक्शन होता है, ठीक है, एडीपीओ में बहुत एरिया ये जाना जाता है एडीपीओ के लिए, एंड द राइट आंसर इज शिवपुरी, शिवपुरी और ग्वालियर से बहुत सारे बच्चों का एडीपीओ में मैंने सिलेक्शन होते देखा है, और काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ के बच्चे एडीपीओ में, उम्मीद है आप लोग फिर से बेहतर करेंगे, और छतरपुर के भी बेहतर करेंगे इस बार, ठीक है, और पूरे एमपी के बेहतर करेंगे, ठीक है, और पूरे इंडिया के बेहतर करेंगे। चलिए नहीं तो जिसका नाम ना लो उसी को बुरा लग जाए, तो भैया पूरे इंडिया के बेहतर करेंगे। कान्हा किसली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पे, ठीक है,
कान्हा किसली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट पे है? कान्हा किसली, क्वेश्चन नंबर 24, एंड द राइट आंसर इज दिस क्वेश्चन, इट इज मंडला, मंडला इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हॉटेस्ट मंथ इन द प्लेट्यू ऑफ मध्य भारत, मध्य भारत का जो प्लेट्यू है पठार, इसमें सबसे गर्म समय की पूछ रहा हूँ, हॉटेस्ट मंथ कौन सा होगा? 25th का आंसर करिए, 25th, 25th क्या होगा? 25th का इट इज सी, मई इज द राइट आंसर. ठीक है, मई, 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 जिसको मई या मई बोल सकते हैं, इसका सही आंसर माना जाएगा. सबसे गर्म महीना होता है, क्योंकि जून से तो बारिश होने लगती है, तो मई सबसे गर्म महीना माना जाता है. मध्य प्रदेश इज मेनली, मध्य प्रदेश क्या है मेनली? वैली है, हिल्स है, ग्राउंड है, प्लेट्यू है. 26, 26 का क्या आंसर होगा? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज क्या होगा? सी इज द राइट आंसर. ठीक है, 26 का आंसर आएगा, सॉरी 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 सॉरी, 26 का आंसर डी आएगा, मैं गलत बोल गया. इट इज जनरली अ प्लेट्यू, ये प्लेट्यू माना जाएगा. ठीक है, इसको पठार कहा जाता है, प्लेट्यू और पठार. ठीक है, इट इज डी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने ये है, विच इज द मेन सिटी इन मालवा रीजन. मालवा जो रीजन है, इसमें मेन सिटीज कौन कौन सी आती है, ये तो बन जाना चाहिए, ये तो सबको रटी होंगी. ठीक है, ये तो सबको रटी होंगी, होपफुली. 27 का आंसर करिए, 27, ये तो सबको पता होगा, वैसे भी नहीं पता तो पता चल जाएगा. एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज डी, इट इज उज्जैन एंड इंदौर इज द राइट आंसर, उज्जैन और इंदौर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा हिल्स. ठीक है, सत कर लीजिएगा, सतपुरा हिल्स, सतपुरा हिल्स का हाईएस्ट पीक कौन सा माना जाएगा, सबसे ऊंचा वाला पीक? धूपगढ़, ठीक है, बीजल घाट, खलीभित और भड़वानी, तो सबको पता है, वैसे भी नाम से ही समझ में आ गया होगा, इसमें समय बर्बाद नहीं करते. तो धूपगढ़ की चोटी, ठीक है, धूपगढ़ की चोटी इसे कहा जाता है, धूपगढ़. इसके बाद, विच इज द मेन रीजन ऑफ लो रेनफॉल इन मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू में कम वर्षा होती है, इसका मेन कारण क्या है? मालवा प्लेट्यू में कम वर्षा का कारण क्या है, ये पूछा जा सकता है. 29, ये क्लाइमेट वगैरह में आता है. 29 का आपका आंसर करोगे, 29, 29 इसका आंसर काफी लोगों ने गलत किया है, इसका आंसर गलत किया है, और इसका आंसर होगा, इट इज 29 का जो सही आंसर है वो है आपका डी, लो इफेक्ट ऑफ मानसून. मानसून का जो इफेक्ट होता है, क्योंकि जब मानसून का इफेक्ट होता है उसी से बारिश होती है, तो मानसून का जहां पे इफेक्ट होता है वो कम रहता है. देखिएगा, इसमें रोहित ने और सरला ने आंसर सही दिया, हेमा ने भी सही किया, लेकिन क्वेश्चन मार्क लगाया है उन्होंने. लो इफेक्ट ऑफ मानसून कानून की बातों ने भी आंसर सही किया है, नीता ने बाद में आंसर सही कर लिया है, या जैसा भी है. चलिए, ये आंसर डिफिकल्ट था थोड़ा सा. टू द नॉर्थ ऑफ मध्य भारत प्लेट्यू इज, ठीक है, नॉर्थ ऑफ मध्य भारत जो प्लेट्यू होगा उसको क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 30 को लेकर आंसर करेंगे, 30, का आंसर द राइट आंसर इज इट इज यमुना प्लेन्स. ठीक है, इसको बोलते हैं यमुना प्लेन्स, क्योंकि ऊपर की तरफ जाते हैं ना, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ क्या मिलता है? नहीं, नॉर्थ की तरफ बुंदेलखंड नहीं मिलेगा, नॉर्थ की तरफ आपको जो प्लेन्स मिलते हैं उसको बोलते हैं यमुना प्लेन्स. ठीक है, 30 का आंसर माना जाता है सी, यमुना प्लेन्स. बुंदेलखंड, सबने बुंदेलखंड बोला, तो मैंने गलत पढ़ लिया क्या? 100% श्योर हो क्या आप लोग? बुंदेलखंड मेरी आंसर की के हिसाब से क्या मान रहा है ये? इट इज सी, यमुना प्लेन मान रहा है. बाकी अगर आप लोग के सबके सब लोग बुंदेलखंड कह रहे हैं, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, सभी ने मोस्टली आंसर आपका वो दिया है, तो इसलिए आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि मेरी आंसर की के हिसाब से तो सी आ रहा है, बाकी मेरी आंसर की गलत भी हो सकती है. ठीक है जी, आप चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें बताता जाता हूँ. हाँ, एमपी का ही पूछा है मैंने, मध्य भारत पूछा है, मध्य भारत, मध्य प्रदेश नहीं लिखा है, भारत लिखा हुआ है, मध्य भारत लिखा हुआ है ना, पढ़िए बच्चे थोड़ा सा, मध्य भारत लिखा हुआ है.
प्लेट्यू का नहीं, प्लेट्यू कौन सा आता है, मतलब पूछा है नॉर्थ की तरफ, टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कौन सा प्लेट्यू आता है, ये ना बोल रहा है कि बुंदेलखंड में, ये समझो एमपी और एमपी के ऊपर ही तो है यमुना प्लेन्स, ये यहाँ पे इस एरिया में, तो पूछा नॉर्थ में कौन से आते हैं, बुंदेलखंड थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, हल्का सा यहाँ पे आता है, कुछ नॉर्थ कुछ आपके साउथ में आते हैं, कुछ इस साइड आ जाते हैं, इस प्रकार से थोड़ा सा बस चेक कर लीजिएगा कुछ लोग, ठीक है मेरे हिसाब से सी ही है आंसर फिर भी। टू द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के किस पार्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, मध्य भारत में, ग्वालियर, हाँ ग्वालियर के ऊपर का हिस्सा पूछा है, टू द नॉर्थ उसके ऊपर का हिस्सा पूछा, ये तो ना पूछ रहा है इन नहीं पूछ रहा है, टू द टॉप मतलब उसके टॉप में पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे, 31 इट इज ए, बिल्कुल इट इज सेंट्रल पार्ट, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मध्य प्रदेश के सेंट्रल पार्ट से गुजरता है, ठीक है सेंट्रल पार्ट इसका सही आंसर आएगा, सही है वो आंसर, चलिए आप लोगों ने चेक कर लिया, थैंक यू वेरी मच। इन हाउ मेनी पार्ट्स मध्य प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू बेसिस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है भैया मध्य प्रदेश को, क्लाइमेट के आधार पे, मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, 32 काफी लोग आंसर सही कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कर रहे हैं, एंड द राइट आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आपका जो सही आंसर है वो है आपका सी, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, उसको हमने चार भागों में क्या किया है बांट दिया, इट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट, इसको फोर पार्ट्स में बांटा है, इसको देख लीजिएगा क्लाइमेट के आधार पे, फॉरेस्ट के आधार पे, अन्य अन्य चीजों के आधार पे बांटा गया, तो चार आधारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये है विच डिस्ट्रिक्ट रिसीव लीस्ट रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, कौन सी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पे लीस्ट रेनफॉल होती है मध्य प्रदेश में, सबसे कम वर्षा, कौन सा क्वेश्चन लगाओगे 33 का, जल्दी बताइए 33 का, 33 33 का क्या होगा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, भिंड में, ठीक है भिंड एरिया में एमपी में सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में औसतन वर्षा कितनी होती है साल में, एक साल में औसतन कितनी वर्षा होती है, औसतन कितनी होती है, औसतन वर्षा 34 बिल्कुल, द राइट आंसर इज औसतन जो मध्य प्रदेश में वर्षा होती है इट इज सी 112 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में औसतन होती है एक साल में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्वेश्चन ये है लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ वेस्ट लैंड इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में वेस्ट लैंड कितनी है, ठीक है अनुपयोगी जमीन जिसको कह सकते हैं, वेस्ट लैंड मध्य प्रदेश में कितनी है, जल्दी आंसर करिए फटाफट, कितनी है वेस्टलैंड मध्य प्रदेश में, परसेंटेज में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा, इट इज ए 21.75, इट इज द राइट आंसर 21.75, जिसको 22% भी कभी कभार कह दिया जाता है, तो 21.75 अगर ऑप्शन है तो वो लगाइए, अगर 21.75 ऑप्शन नहीं तो 22% भी लगा दोगे तो भी आपका आंसर सही पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार का क्लाइमेट है, ठीक है किस प्रकार का क्लाइमेट है मध्य प्रदेश में, कैसा क्लाइमेट है मौसम, अभी तो बोलो जैसा भी हो अभी तो ठंड वाला मौसम है, ठीक है थोड़ा थोड़ा ठंड वाला भी, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर कैसा क्लाइमेट है, तो आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही किया, इट इज ए, ठीक है क्लाइमेट जो हमारे हैं मानसून वाला है, ठीक है मानसून वाला क्लाइमेट है, जब मानसून आता है तो वर्षा होती है, मानसून पे सारी चीजें डिपेंड होती हैं, तो हमारे यहाँ मानसून बेस्ड क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है मानसून बेस्ड क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये रहा विच एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एक्सपीरियंस हाइएस्ट टेम्परेचर, मध्य प्रदेश का कौन सा वो एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है जिसको हम हाइएस्ट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ठंड वाला मौसम है, बिल्कुल ठंड वाला, चलिए आंसर करें 37 का आंसर करते हैं, 37 क्या होगा, 37 का आंसर, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गंज बसौदा इज द राइट आंसर, ठीक है गंज बसौदा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं,
वेयर इन मध्य प्रदेश इज द सीजन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, मध्य प्रदेश में सीजन ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, वेयर इन मध्य प्रदेश इज द सीजन ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड, कहाँ पर है ये? 38 का आंसर, 38 सीजन ऑब्जर्वेटरी, मतलब यहाँ पे सीजन का जैसे पता चलता है कि भैया ठंड है, मौसम क्या कैसा है, तो सीजन ऑब्जर्वेटरी बिल्कुल आप लोग ने सही कहा, इट इज सिचुएटेड इन इंदौर, ये आपका इंदौर में सिचुएटेड माना जाएगा। देखिए मिक्सअप क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिएगा फिर बताइएगा क्या है। वॉइस स्लो है क्या सबके में, वॉइस स्लो है कि आदित्य के में बस वॉइस स्लो है? गलेना इज द ओर ऑफ, गलेना किसका ओर है, जल्दी बताइए, वॉइस का क्या सबके में इशू आ रहा है? इज देयर एनी इशू रिलेटेड टू वॉइस? नहीं है, क्लियर है आदित्य? आप देखिए आपके में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है किसी रीजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या माना जाएगा? इट इज बी, लेड इज द राइट आंसर, ठीक है, लेड जिसको बोलते हैं ये इसका सही जवाब माना जाएगा। चलिए कौन स्लो कह रहा है, और भी तो कोई कह रहा है, रुचि कह रही है स्लो है, मुझे तो क्लियर लग रही है वॉइस, अब स्लो कैसे लग रही है? आप लोग वॉल्यूम बढ़ा है मोबाइल का कि वॉल्यूम आपके, हो सकता है मोबाइल के जो वॉल्यूम वाला होता है ना उसमें कचड़ा फंस गया हो तुम्हारे, तो कचड़ा चड़ा साफ करा लिया करो कुछ समय के बाद, उसमें वो होते हैं ना उसके छिद्र, उसमें कचड़ा भी फंस सकता है, तो उसकी वजह से आवाज कम आने लगती है, तो उसको स्पीकर सही कराइए उसका या बदलवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज लीस्ट हार्ड, सबसे कम हार्ड कौन सा होता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को लेके आप आंसर करते हैं, 40 को लेके क्या आएगा? 40 का इट इज बी, टैल्क। टैल्क किसको बोलते हैं, टैल्क क्या होता है, टैल्क लीस्ट, टैल्क ठीक है, बिल्कुल लीस्ट आएगा आपका, टैल्क को बोलते हैं, टैल्क नहीं क्योलिन नहीं, टैल्क होगा इसका आंसर। इट इज, सबने गलत किया है, हेमा ने भी गलत किया साथ में, आदित्य ने भी, ये लोग बातों में लग गए, ठीक है, नीता ने भी गलत किया है, जितने लोग क्लास में थे सबने गलत किया, मतलब गलत सबने, क्लास वालों ने सबने गलत किया है और ऑनलाइन वालों ने सही किया है, ऐसा क्या हुआ भैया? चलिए अच्छा ये बताइए, 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 और बचे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं तो आगे कराएं, नहीं लग रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, बताइए क्वेश्चन सही लग रहे हैं आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। टैल्क मतलब पाउडर, बिल्कुल टैल्क मतलब पाउडर, कितना बिल्कुल लीस्ट मतलब होता है कम, बिल्कुल ठीक है, आपने सही किया, आप बिल्कुल, आपकी बात ही अलग है, ठीक है, आप पुरुष नहीं हो, आप कुछ और हो, क्या हो, महापुरुष हो आप, यही बुलवाना चाहते हो क्या भैया? विशाल पुरुष नहीं है, विशाल महापुरुष है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल क्वेश्चन को सही कर दिया है, आप गलत कर ही नहीं सकते विशाल। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, क्या है क्वेश्चन 41, विच परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉपर इन द कंट्रीज लोकेटेड मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कितना कॉप, जो पूरी इंडिया का कॉपर में से कितना पार्ट मध्य प्रदेश के हिस्सों में आता है? क्वेश्चन नंबर 41 को आंसर करेंगे। अच्छा आप दीपाली हैं, अच्छा चलिए तू कुछ नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना उसमें लिख के नहीं आता ना कि आप हस्बैंड के फोन से आए हो, मुझे तो सब लगता है कि सभी लोग आ गए, अब दीपाली कह रही है, अब उसमें पता नहीं चला ना, क्वेश्चन नंबर 41 को लेके। चलिए वो मजा आ गई, चलिए द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, 22% इज द राइट आंसर, ठीक है, बताना चाहिए अब जब शुरू में आओ तब तो पता चले कौन कहाँ से आया है, नहीं तो अब कोई बोलते हम नहीं बोले कोई। चलिए खैर, विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसेस स्लेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्लेट पाई जाती है, स्लेट, चलिए कंसंट्रेट यहाँ पे करिए, हंसी मजाक बाद में करेंगे, यहाँ पे कौन कंसंट्रेट करिए, हंसी मजाक होगा 18 के बाद, 18 तक अभी सब पेंडिंग में रखिए, हंसी मजाक रोना धोना ठीक है, सब कुछ 18 के बाद होगा, चीटिंग बाई परसोनेशन लो, तुम्हारे ऊपर चीटिंग का आरोप लग गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, 42 का आंसर क्या माना जाएगा? इट इज 42 का आंसर आएगा मंदसौर, साजापुर नहीं है भैया, जो लोग साजापुर लगा रहे, मंदसौर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, इसके बाद विच वेराइटी ऑफ कोल इज
अबेंडेंटली फाउंड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज्यादातर कौन सा मतलब पाया जाता है? कोल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादातर कौन सा कोल का प्रकार पाया जाता है? 43 को लेके आप आंसर करें। अब हम ना पूछेंगे तो क्या होगा? ठीक है, ये हमारे पूछने ना पूछने से कुछ नहीं होता है। पीएससी पूछेगी फिर क्या करोगे? उनसे भी कहोगे कि हमारे सर ने ना पूछे थे या हमें याद नहीं होते हैं। द राइट आंसर 43 का आंसर क्या माना जाएगा? इट इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। बिटुमिनियस, ठीक है, बिटुमिनियस सबसे ज्यादा एमपी में पाया जाता है। विच डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस कॉपर इन एमपी? एमपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कॉपर प्रोड्यूस होता है, जिसको तांबा बोलते हैं? तांबा, तांबा कहाँ पे होता है भैया? एमपी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? 44। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज बालाघाट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर इज इन बालाघाट। किसको हिंदी में क्या कहते हैं? आपको किसको हिंदी में क्या कहते हैं? बालाघाट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में बालाघाट को बालाघाट कहेंगे। वेयर आर द व्हाइट मार्बल माउंटेन्स लोकेटेड? व्हाइट मार्बल माउंटेन्स कहाँ पर है? मतलब सफेद संगमरमर के, ठीक है, जो संगमरमर होता है ना, इसके पहाड़ कहाँ पर है? 43 प्रश्नों का 43 हो गया, अब क्या करना उसका? संगमरमर, ठीक है, अच्छा ज्योग्राफी बनती इसलिए याद दे रहे। अरे सब बनता है, झूठ नहीं बोलो। ठीक है, पढ़ाई करो, जो नहीं बनता वो भी बनेगा, जो बनता है वो भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा एंड इट इज भेड़ाघाट। भेड़ाघाट इज अ राइट आंसर। ठीक है, भेड़ाघाट में है आपके। नेक्स्ट, ग्रेफाइट इज मेनली फाउंड एट विच प्लेस? ग्रेफाइट कहाँ पे पाई जाती है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कहाँ पे मेनली किस जगह पे पाई जाती है? 46 का आंसर करिए। 46, 46 का आंसर क्या होगा? इट इज बी, बी इज द राइट आंसर, जिसको हम बोलते हैं बैतूल। बी इज बैतूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्बल इंडस्ट्री इज लोकेटेड हियर। मार्बल इंडस्ट्री कहां पर लोकेटेड है? वेयर मार्बल इंडस्ट्री इज लोकेटेड? मार्बल इंडस्ट्री इज लोकेटेड हियर। क्वेश्चन नंबर 47, 47 का आंसर मार्बल कहां पे? मार्बल 47। इंडस्ट्रीज कहां पे मार्बल इंडस्ट्रीज? तो मार्बल इंडस्ट्रीज आपकी है कटनी में। ठीक है, इट इज सिचुएटेड देयर इन कटनी। कटनी का नाम सीमेंट, जो लाइम स्टोन वगैरह आता है जिसको चूना पत्थर कहते हैं, उसमें भी आपका आ जाता है, सीमेंट में भी इसका नाम आता है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है कटनी के साइड, कटनी में बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज नॉट सर, दिस इज द नॉट एन ऑथेनटाइज डायमंड माइनिंग कंपनी इन एमपी। कौन सी एमपी में जो डायमंड निकालती है कंपनी, इसमें से कौन सी ऑथराइज कंपनी नहीं है? बहुत सारी कंपनियां ऑथराइज है, कौन सी कंपनी ऑथराइज नहीं है? 48 को लेके, रिलायंस, रियो टिंटो, डीब्रीज कंपनी और एनएमडीसी। इसका आंसर बहुत से लोगों को पता होगा। ठीक है, कुछ लोग टुक्के मारेंगे। तो कौन सी कंपनी ऑथराइज नहीं है कि जो डायमंड निकाल सकती है? तो द कंपनी विच इज नॉट ऑथराइज टू माइनिंग डायमंड इन एमपी इज, क्वेश्चन नंबर 48 इट इज ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज द राइट आंसर। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का सही जवाब माना जाएगा। रिलायंस, रिलायंस, नो नो नो, रियो टिंटो तो है, रिलायंस इज नॉट अ राइट। रिलायंस को ऐसा कोई मान्यता नहीं मिली, याद रखिएगा। रियो टिंटो तो छतरपुर में, जो पन्ना में है, एनएमडीसी भी निकालती है, रियो टिंटो भी निकालती है, ये सारी, और बी बियर्स भी निकालती है, बी बियर्स भी निकालती है। आगर है इन होशंगाबाद, आगर इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर, एक आगर है होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वो फेमस है फॉर द माइनिंग ऑफ, किसकी माइनिंग के लिए फेमस है? 49, एसएस लेना है, लीजिए भी एसएस स्क्रीनशॉट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब इस वाले का आंसर करिए। किसका? आगरा, आगर हैज इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ, किसकी माइनिंग के लिए? तो आंसर आता है इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज सी टंगस्टन। टंगस्टन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मलाजखंड इज फेमस फॉर, मलाजखंड किसके लिए फेमस है? ठीक है, मलाजखंड, अभी इसका मलाजखंड का जिक्र भी हुआ था, फिर से आ गया है, मलाजखंड किसके लिए फेमस है?
तो एमपी में तो आता है ना, रियो टिंटो एमपी में तो आ गया ना, और यहाँ पे भी करती थी पहले पन्ना में। तो देखिए एमपी, उसमें ये थोड़ी ना पूछा है कि पन्ना में कौन करेगा, उसमें पूछा है कि एमपी में कौन कौन सी माइनिंग के लिए ऑथराइज है। तो बक्सवाहा भी तो किस में आता है, बक्सवाहा छतरपुर में आता है, छतरपुर कहाँ आता है, एमपी में आता है। तो आंसर कौन सा आता है, 50 का आंसर क्या माना जाएगा, इट इज बी, कॉपर इज द राइट आंसर, तांबा कॉपर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी इज नोन एज द लाइम सिटी, चूना, चूना नगरी, अभी अभी इसका जिक्र मैंने किया था, चूना नगरी किसको है। कुछ लोग चूना खाते हैं, कुछ लोग पोतते हैं चूना, ठीक है, और कुछ लोग चूना लगाते हैं दूसरों को। चूना का बहुत सारे यूज है भारत में, चूना खाने के यूज में भी आता है, ठीक है, जिसमें पान आन खाते हैं तो चूना लगता है, किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर दो तो भी कहता है कि चूना लग गया, और कभी कभार पोतने के काम भी आता है, जो पहले जो घर हुआ करते थे तो उसको चूना से पोता जाता था, तो चूना भैया बहुत काम आता है। तो चूना कहाँ मिलता है, जो बहुत काम आता है, चूना लगाने के काम आता है, खाने के काम भी आता है, पोतने के काम भी आता है। 51 द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, चूना लगाते हैं भाई, मैंने बताया लगाते भी हैं लोग। हाँ बक्सवा की जंगल्स, बिल्कुल, वहां पे भी हीरे कहा जा रहा है, बक्सवा के जंगल में पन्ना से ज्यादा हीरे हैं, लेकिन अभी उसको ऑथराइजेशन नहीं मिली है उनको खोदने की, लेकिन कहा जा रहा है कि जितने हीरे आपके, क्योंकि वो आपका एनवायरनमेंट में मामला है, क्योंकि जंगल बहुत सारे कटने हैं, तो उसको लेके चीजें चल रही हैं। हाउ इज एमपी रैंक्ड इन द कंट्री इन टर्म ऑफ डायमंड प्रोडक्शन, डायमंड प्रोडक्शन में एमपी का कौन सा स्थान है भारत में, जल्दी बताइए कौन सा, 52 कौन सा स्थान है, ये तो सबको पता है, एमपी में हीरे सबसे ज्यादा है, आप सभी लोगों कितने हीरे हैं एमपी में, लोग भी हीरा है एमपी के, और एमपी में हीरे तो है ही है, ठीक है, बहुत हीरे हैं, चलिए भारत में ही हीरे पाए जाते हैं, बिल्कुल बोला तो था मैंने कराने को, उसका डिसाइड कर लेते हैं, डेट डिसाइड कर लेंगे, कराना है लेकिन डेट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, मैंने बोल भी दिया था कल ही शायद कराएंगे अपन, डेट डिसाइड बस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एमपी इज फेमस फॉर मैग्नीज माइंस, मैग्नीज माइंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 53, 53 का आंसर, 53 का आंसर क्या माना जाएगा, एंड द राइट आंसर ऑफ 53 इट इज डी, इट इज बालाघाट, बालाघाट इज द राइट आंसर, बालाघाट इसका सही जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये रहा, विच इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ मैग्नीज, विच इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की लार्जेस्ट माइन, सबसे बड़ी माइन, ठीक है, मॉर्निंग टाइम में देखेंगे, टाइम इज नॉट येट डिसाइडेड, पहले पेपर डिसाइड हो फिर टाइम डिसाइड करेंगे। फिफ्टी फोर का आंसर क्या माना जाएगा, इट इज ए, भरवेली, ठीक है, भरवेली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है, एप्स एस्बेस्टोस, ठीक है, एस्बेस्टोस इज फाउंडेड इन एमपी, मतलब एमपी में कौन सा एस्बेस्टोस वगैरह की, क्वेश्चन नंबर 55 को आप आंसर करेंगे, 55, 55 55 का आंसर आएगा, बिल्कुल, ये तो सबका फेवरेट ऑप्शन है, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज ऑल ऑफ दी, सारे के सारे ऑप्शंस सही माने जाएंगे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच मिनरल इज लीस्ट हार्ड, ये अभी हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है, नहीं कराते, आंसर बस बता देते हैं, ठीक है, टैल्क किसको बोलते हैं, टैल्क, टैल्क कर लीजिएगा, टैल्क इज द राइट आंसर, ठीक है, और सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है, डायमंड हार्डेस्ट होता है, ठीक है, जो ऑप्शन है उनके हिसाब से। यू फ्रॉम छिंदवाड़ा, क्या बात है, छिंदवाड़ा अच्छी जगह है, मैं तो होके आया हूँ छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में रोड्स वगैरह बहुत अच्छी हैं, छिंदवाड़ा में रोड्स वगैरह बहुत अच्छी पाई जाती हैं ड्यू टू कमलनाथ, क्योंकि कमलनाथ क्या थे, बहुत समय पहले वो जो हाईवे जो होता है ना, ये रोड वगैरह के राज परिवहन वगैरह के मंत्री थे इंडिया सरकार के, तो बहुत अच्छी रोड्स है, एम आई राइट, मैंने छिंदवाड़ा की रोड बहुत अच्छी मेरे को मिली हमेशा, तो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, कैसी है छिंदवाड़ा की रोड, अगर कोई गया हो तो, मतलब मेरे को लगता है शायद एमपी में वन ऑफ द बेस्ट रोड्स आपको अगर देखनी है तो वो छिंदवाड़ा में मिलेगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट एमपी इज बॉक्साइट फाइन, बॉक्साइट कहाँ पे होता है,
कौन सा कल्ब का आंसर भेजा है क्या आपने कुछ? आयुष फिर से आ गए तुम, कौन सा आंसर भेज दिया तुमने? 57 का आप आंसर करिए, 57 को, 57। राइट आंसर। अब बेचारे दोनों फिर परेशान होंगे, आदित्य और हर्षा, क्योंकि आयुष आ गया, अब आयुष नई खबर लेके आया होगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज डी, जबलपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, जबलपुर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाउ मेनी कोल्स मेन एरिया आर देयर इन मध्य प्रदेश, कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 को लेके अपन करते हैं, 58 को लेके, 58 को ले अपन क्वेश्चन करेंगे। 58 का आंसर करिए जल्दी जल्दी। हाउ मेनी कोल मेन एरिया आर देयर इन एमपी, मैं करा रहा हूं करा रहा हूं। चलिए 58 का आंसर दीजिए। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज ए, 11 आंसर इसका सही माना जाएगा, 11 इज अ राइट आंसर। ठीक है, 11 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये है कल्पवृक्षा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 59, 59 का आंसर करिए जल्दी जल्दी, 59। एंड द राइट आंसर इज कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म इज द राइट आंसर। ठीक है, सिल्क से संबंधित। विच क्रॉप ऑफ एमपी हैज मोर एवरेज अंडर कल्टीवेशन? ठीक है, सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कहाँ होता है? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर करिए, 60 का। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जैद क्रॉप। ठीक है, जैद क्रॉप इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, जैद क्रॉप इज द राइट आंसर, रबी खरीफ जैद। इसको मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं इसमें डाउट पे चला जाता हूँ। ठीक है, इसको एक बार आंसर आप चेक कर लीजिएगा। मैंने अभी दो क्वेश्चन इसके पहले बताए थे, तीसरा क्वेश्चन है जो आपसे चेक करने को बोल रहा हूँ, तो प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा। आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि मेरी आंसर की में यही आंसर है, लेकिन मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा है आंसर, लेकिन फिर भी मैंने कराया है, लेकिन आपसे बोल रहा हूँ कि आप इसे चेक करिएगा। चलिए 60 क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट चलते हैं। आप देखिए ये इससे आ रहा है, अब ये इरीगेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, इरीगेशन के आपके क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, सबसे कम सिंचित, मतलब सिंचित होता है जहां कम सिंचाई होती है, सबसे कम सिंचित क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है, जिला है? विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट लीस्ट इरीगेटेड डिस्ट्रिक्ट एमपी, विच, कौन सी है भैया सबसे कम? तो बिल्कुल आंसर काफी लोगों के सही आ रहे हैं। देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन झाबुआ एंड डिंडोरी, बट द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शन, राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, डिंडोरी। डिंडोरी इज द राइट आंसर। ठीक है, डिंडोरी क्या माना जाएगा, इसका सही जवाब माना जाएगा डिंडोरी। नहीं, झाबुआ इज नॉट अ राइट आंसर, डिंडोरी इज अ राइट आंसर, क्योंकि सारे लोग गलत कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद आता है हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड विल बी इरिगेटेड बाय द इंदिरा सागर प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन द नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी पर जो इंदिरा सागर प्रोजेक्ट बना है, इसके माध्यम से कितनी हेक्टेयर जमीन को सिंचित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 62, 62 को आंसर करिए। हाउ मेनी क्वेश्चन? 80, ओनली 80, केवल 80, जितने कल थे उतने ही आज है, न ज्यादा न कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को लेके समय स्टार्ट होता है, 62। एंड द राइट आंसर क्या होगा 62 का? इट इज डी, 2.70 लाख हेक्टेयर इज द राइट आंसर। कृषि के क्वेश्चन है ये, कृषि के, जिनके गलत हो रहे हैं तो कृषि वाले को एक बार पढ़िएगा। हाउ मच एरिया, ये गलत होंगे क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन सबके गलत होंगे, ज्यादा से ज्यादा इनको देखिएगा। हाउ मच एरिया, ठीक है, 63 था ना, 63 का नॉट 62 का बी नहीं है, डी है। हाउ मच एरिया ऑफ
एमपी कैन बी इरिगेटेड बाय बाण सागर प्रोजेक्ट। बाण सागर से कितनी सिंचाई होती है? बाण सागर, बाण सागर 63, तो बाण सागर से होती है 1,53,000 अप्रोक्स एकड़, 1,53,000 एकड़ के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60। बैक करना है, एक मिनट, जल्दी लो, बैक कर लिया, जल्दी देखो 20 कौन सा है? 62 का आएगा डी, 2.70 लाख हेक्टेयर इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, समय बड़ा कम है इसलिए जल्दी जल्दी चलेंगे। इसके बाद कैनल इरिगेशन इज मोर प्रिवेंटेंट प्रिवेंटेंट इन विच स्टेट, कहां पर होगा? राइट आंसर 64 का क्या होगा? इट इज ए, मध्य प्रदेश इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज स्टार्टेड, ठीक है, भवंतर पेमेंट स्कीम फॉर विच डिस्ट्रिक्ट, किस फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से ये भैया स्कीम चालू हुई थी, बहुत फेमस हुई थी भवंतर स्कीम, ये कहाँ से मतलब स्टार्ट हुई थी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज 65 का क्या होगा? इट इज बी, सागर से स्टार्ट की थी, ठीक है, इट इज सिचुएटेड स्टार्टेड फ्रॉम सागर, ये सागर से स्टार्ट हुई, हाँ बिल्कुल सागर से हुई थी। इसलिए इन विच ईयर द सेंट्रल एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भोपाल इज इस्टेब्लिश, क्वेश्चन नंबर 66 को लेकर सब स्टार्ट होता है 66 को। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज सी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड सिलेक्टेड फॉर द एग्रीकल्चरल लीडरशिप अवॉर्ड, हटा देते क्वेश्चन, पुराना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच रेन इज रिक्वायर्ड फॉर सुगर केन, सुगर केन अगर गन्ने की खेती करनी है कितना, ठीक है, गन्ने की खेती अगर करनी है आपको, जैसे गन्ने की जो सुगर केन होती है उसकी अगर खेती करनी है तो कम से कम कितनी लैंड होनी चाहिए? सबसे ज्यादा सुगर केन कहाँ होती है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में सुगर केन काफी होती है, लेकिन इसकी खेती के लिए कितना चाहिए पड़ता है? 68 का आंसर दोगे, 68, 68 का आंसर आएगा, इट इज 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक अगर वर्षा होती है तो यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है, 100 से 200 में आप कर सकते हो, हाँ 100 to 200 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाता है ये, विच प्रोग्राम डिड मध्य एमपी गवर्नमेंट लॉन्च फॉर ऑयल शीट प्रोडक्शन, ऑयल शीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ऑयल मतलब होता है जिससे, जो ऐसे बीज होते हैं जिनसे तेल निकाला जाता है, ठीक है, ऑयल शीट प्रोडक्शन, उसके संबंध में 69 का आंसर करिए, 69, 69 का क्या आंसर होगा? इट इज ए, ऑयल शीट प्रोडक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑयल शीट प्रोडक्शन इसका सही आंसर माना, इसका ऑयल शीट रेवोल्यूशन इसका नाम रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो ये रहा, कह रहा है व्हेन डिड, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन बिगेन्स, कब से ये हुआ है, ठीक है, ये सारे कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, ये वाला मैं बता देता हूँ, मत करिए इस क्वेश्चन को, राइट आंसर इसका ए है, रीजन इसके पीछे ना करने का है क्योंकि यहाँ गलत करोगे, बस यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि ए बी सी डी आप लोग डाल रहे हैं, लेकिन आंसर इसका क्या है, 70 का ए आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख पा रोगे, व्हेन डिड द बीटी कॉटन स्कीम स्टार्टेड है एमपी, एमपी में जो बीटी कॉटन स्कीम थी वो कब से स्टार्ट की गई है? चलिए इसका आंसर दीजिए, ये पूछा जा सकता है, बीटी कॉटन स्कीम एमपी में, क्योंकि स्कीम्स देखिए आनी है, आप याद रखिएगा एमपी में स्कीम्स पूछी जाएंगी, तो ये पूछ सकते हैं बीटी स्कीम कब से स्टार्ट हुई, कौन सी स्कीम कब से स्टार्ट हुई है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एंड द राइट आंसर होगा, बिल्कुल आप लोग ने सही आंसर दिया, इट इज बी, इट इज 2002 से 2003 के बीच में
जो ईयर होता है ना 2002 2003 वो वाले ईयर में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हेन वाज द बलराम ताल स्कीम स्टार्टेड। बलराम ताल स्कीम्स जो नई हो उनको लिखते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। बलराम ताल स्कीम कब से, 72 का कब से हुई है स्टार्ट? बिल्कुल, एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज सी, मई 2007 से इसको हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। व्हेन वाज द बीमा ग्राम योजना स्टार्ट, स्कीम्स पूछ ली आज, ठीक है। बीमा ग्राम योजना स्टार्टेड कब से हुई है, 73 का आंसर करेंगे, 73, बीमा ग्राम योजना, बीमा ग्राम योजना आंसर दीजिए। सेवेंटी थ्री का आंसर क्या होगा, 73 का इट इज ए 2006 एंड 2007 इज अ राइट आंसर, 2006 2007 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज पायलट स्कीम रिलेटेड टू, ठीक है, पायलट स्कीम किससे रिलेटेड है? स्कीम पढ़ा दे, करवा सकते हैं पढ़ाने के लिए, हम जीके का टीचर है क्या? वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हम काका पढ़ा दें, पढ़ने का समय नहीं है, याद करने का समय। अब जहां से चीजें मिले उसको याद करिए। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या आएगा, 74 का इट इज बी, वेदर बेस्ड पायलट किससे रिलेटेड, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड इसको मैं, ठीक है, थोड़ा सा इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, इसलिए करा दिया गया, भले अभी गलत होगा एग्जाम में, अगर ये आ गए तो आपसे बन जाए, क्योंकि स्कीम्स आपसे पूछी जानी है, आपको पता होगा एक चैप्टर है, हाउ मेनी टॉपिक हैव बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम। नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स में कितने टॉपिक्स आपने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं? मटेरियल नहीं है, अब यही जो मटेरियल है इसी को स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मटेरियल आपको देखना था ना, मटेरियल के लिए बड़ा समय निकल चुका है, अब कहाँ मटेरियल का समय बचा है मटेरियल कलेक्ट करने का, अब तो बस जो है उसी को बस देखो, नया कुछ नहीं करो, जो तो हो रहा है वो देखिए। 75 का आंसर क्या आ जाएगा, इट इज 12, कितने हैं, 12, इट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन वाज द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब लॉन्च हुआ है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, कब लॉन्च हुआ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर इट इज ए, 2005 और 2006 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन लॉन्च हुआ है। इसके बाद व्हेन वाज द एमपी स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन रीस्ट्रक्चर्ड कब हुई थी, मध्य प्रदेश वेलफेयर मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का पूछ रहा है आपसे। लीजिए भी एसएस वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 77 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट इज 77 का आंसर होगा डी, 1962 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सब उल्टे सीधे लगा रहे, किसी के सही नहीं लग रहा, कोई डी लगा रहा, कोई बी, जिसके मन में जो आ रहा। व्हेन वाज द मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन फॉर्म, ये कॉर्पोरेशन कब हुई थी? अब देखिए सबकी वही दशा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही आएंगे, थोड़ा सा स्कीम्स देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर होगा इट इज ए, 31 मार्च 2003, किसी के आंसर सही नहीं निकल रहा है, कोई भी ऐसा नहीं मेरे को दिख रहा है जिसके आंसर सही निकल रहा है, सब एक ही जैसे हैं। व्हेन डिड द ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी केम इनटू फोर्स, ये भैया कब से आई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी केम इनटू फोर्स, इसको नेट का यूज करिए, नेट से निकालिए कि एमपी की पॉलिसीज कौन कौन सी हैं वहां से, ठीक है, बैक करना है, लीजिए पहले इसका आंसर कर दीजिए, बैक कर देते हैं, बैक लीजिए, वेयर इज द मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन इज, चलिए कोई इसको बताइए, ये सब एमपी की स्कीम्स हैं, योजना सब गलत हो रही है, आपकी नहीं सबकी गलत हो रही है। 79 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा इट इज 2 जुलाई 2012। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये है, द माइनर इरिगेशन स्कीम हैज कैपेसिटी टू इरिगेट हाउ मच लैंड, कितनी लैंड को इरिगेट कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करेंगे, 80 का
होगा सी का आंसर? 80 का कितना है माइनर इरिगेशन स्कीम में, कितनी आप कर सकते हो? इट इज ए। यहां भी गलत किया आप लोगों ने। चलिए तो यहां से होता है पूरा आज का टेस्ट। और अब देखिए कल किसका होगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक ले लीजिए, @विधिक जारूकता। यहाँ पे आपका कल किसका होगा, कल एक्ट होगा या टेस्ट होगा वो बता दूंगा, ठीक है? सुबह सुबह होगा, जो भी होगा तो उसके बारे में आपको सुबह इन्फॉर्म कर दूंगा। तो देख लीजिएगा @विधिक जागरूकता में जाके आप इसको देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और कल 9:30 बजे क्लास होगा सुबह, ठीक है? सुबह रोज ही 9:30 बजे होता है और रात को भी 9:30 बजे होता है। सुबह 9:30 बजे होता है किसका, यूट्यूब सेशन होता है, और रात को 9:30 बजे अनअकैडमी का सेशन होता है। मेरे दोनों सेशन फ्री हैं। अब सेशन का लिंक वगैरह आपको चाहिए कि सेशन का लिंक वगैरह कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, विधिक जागरूकता चैनल से टेलीग्राम में। चलिए मिलते हैं। हाँ मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अपन कल रात को मिलेंगे, अभी तो कुछ लोगों से दोपहर को मिलेंगे, कुछ लोगों से शाम को मिलेंगे, कुछ लोगों से कल मिलेंगे। हैव अ गुड डे।